नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गनी, कार्डियोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कार्डियक केयर में इनोवेशन क्या है, यानी नई चीजें क्या आई है। देखिए, कोई भी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कोई भी सेक्टर है, चीजें बदलती रहेगी। जैसे बोलता है कि पल पल जिंदगी बदलती रहती है, वैसे चीजें बदलती रह रही है। तो क्या नई टेक्नोलॉजी आई है? तो कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले सिर्फ बाईपास सर्जरी, अभी एंजियोप्लास्टी आ गई। अभी एंजियोप्लास्टी में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे लिथोड्रिप्सी आ गई, तो उसमें लेजर की हिसाब से, लेजर की सहायता से लेजर एंजियोप्लास्टी, उसे जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद में रोटा एब्लेशन आया है, यानी रोटेशनल थेरेपी एक होती है, उसके एक रोटा एब्लेशन यानी एक रोटा वायर के साथ में उसको लेके एंजियोप्लास्टी की जाए। उसके बाद में अभी कटिंग बलून आ गए, उसके बाद में ड्रग एल्यूटिंग बलून आ गए, स्टेंट में नए नए स्टेंट आते, यानी एंजियोप्लास्टी आई। उसके बाद में उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए। अभी तो रोबोटिक एंजियोप्लास्टी आई है, यानी रोबोट की मशीन असिस्टेड एंजियोप्लास्टी आई है। तो ये आ गया एंजियोप्लास्टी एक नया टेक्नोलॉजी। एंजियोप्लास्टी टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते जा रही। उसके बाद में वॉल्व सर्जरी में भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे ओर्टिक वॉल सर्जरी में ट्रांस कैथेटर ओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट, यानी टावर या टावी जिसे हम बोलते हैं, यानी विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी, सिर्फ एंजियोप्लास्टी जैसे कैथेटर यूज करके हम अभी ओर्टिक वॉल को रिप्लेस कर सकते हैं, नया ओर्टिक वॉल बिठा सकते हैं। साथ में माइट्रल वॉल के लिए भी माइट्रा क्लिप्स आए हैं, और माइट्रल वॉल भी जैसे तावी आया है, टावर आया है, वैसे भी मावी भी आने वाला है, और माइट्रल वॉल भी कैथेटर के थ्रू अंदर अपन बिठाने वाले। तो ये वॉल सर्जरी में इनोवेशन है। उसके बाद में बाईपास सर्जरी जो ओपन हार्ट सर्जरी है, उसमें भी इनोवेशन आए हैं। उसमें अभी क्या होता है, एक छोटा सा होल जिसे हम मिकास बोलते हैं या मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, या सिर्फ लैटरल थोराकोटॉमी, यानी सिर्फ एक साइड लैटरल में हमने कट दे दिया छोटा सा, और वही होल से, की होल से पूरी सर्जरी कर ली, जैसे लैपरोटॉमी जैसे होता है, उस हिसाब से अभी सर्जरी आई है ओपन हार्ट सर्जरी। उसके बाद में अभी आई है, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, दुनिया बदल चुकी है। तो ये हेल्थ सेक्टर की भी दुनिया बदल चुकी है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डाटा को अच्छे से एनालाइज कर पा रहा है, आपका जो भी डाटा है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, उसके कारण आपको कोई बीमारी होने के क्या चांसेस है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अभी अच्छे से प्रेडिक्ट हो पा रहा है। उसके बाद में डाटा एनालिसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी रिसर्च कोई भी मॉलिक्यूल के लिए करना, कोई भी डिवाइस के लिए करना, कोई भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी के करना बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस है। उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुका है, स्टेम सेल थेरेपी आ चुका है, रीजेनरेटिव मेडिसिन जिसे हम बोल सकते हैं, कि स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा बहुत सारी जो असाध्य बीमारियां थी, रेयर डिसीजेस थे, उसके इसमें भी अभी दवाइयां और उसके ऊपर उपचार पॉसिबल हो चुका है। तो स्टेम सेल थेरेपी, रीजेनरेटिव मेडिसिन आ चुका है। उसके बाद में रोबोटिक सर्जरी, जो जैसे मैंने पहले भी बोला कि रोबोटिक सर्जरी भी आ चुकी है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, काफी सारे ऑर्थो के ऑपरेशन, कुछ स्पाइन के ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी, किडनी के कुछ ऑपरेशन, काफी सारे ऑपरेशन ये रोबोटिक असिस्टेड आजकल हो रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी अभी नई नई है, ये पुरानी हो चुकी है और काफी उसमें एडवांसमेंट भी हो चुके हैं। उसके बाद में आ चुका है इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी पहले तो सिर्फ 2D को था, फिर बाद में 3D को आया, 4D को आया, अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के एडवांसमेंट आते जा रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कंबाइन करके प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। तो हार्ट हेल्थ में डायग्नोसिस पर्पस, इमेजिंग पर्पस के लिए बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे टेक्निक्स अभी अवेलेबल हो रही है। उसके बाद में बात आती है कि मेडिसिन में क्या नया है, तो मेडिसिन भी काफी नए नए आ चुके हैं हार्ट हेल्थ के लिए, जैसे अर्नी आ चुका है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सारे नए ड्रग्स आ चुके हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे नए ड्रग आ चुके हैं,
और ऐसा हर इसमें हो रहा है, हर फील्ड, हर सेगमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी मॉलिक्यूल में हो रहा है। बहुत सारे नए ड्रग अंडर रिसर्च है, कुछ आ चुके हैं। तो ये तो सब कुछ हो चुका। आप बोलेंगे कि कोई ऐसी दवा आ चुके है कि जिससे हार्ट अटैक ही आने आए नहीं, तो ऐसी दवा अभी तक आने की है। उसके लिए थोड़ा सा शायद रुकना पड़ेगा कि हार्ट अटैक ही नहीं आए, जिंदगी भर एक बार खा लिए तो ऐसी अभी आने की है। उसके बाद में हम जैसे कि बात करें कि और क्या क्या इनोवेशंस आए हैं, तो और इनोवेशंस की पूरी मैंने एक लिस्ट ही बनाई है, आपको बताता हूँ। लीडलेस पेसमेकर, लीडलेस पेसमेकर यानी जो विदाउट लीड यानी विदाउट वायर जिसे हम डाल सकते, सिर्फ एक बैटरी जैसा छोटा सा डिवाइस है, वो हमें वेंट्रिकल्स में और सेप्टम में इंसर्ट करना है और वो लीडलेस पेसमेकर करके काम करेगा। उसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैथेटर इंसर्ट करके वो वहां पे छोड़ के रख देना है। तो लीडलेस पेसमेकर आ चुका है। सीआरटीडी, एआईसीडी, ऐसे बहुत सारे पेसमेकर के अलग अलग एडवांस टाइप आ चुके हैं जो हार्ट फेल्योर, सडन कार्डियक डेथ और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल हो चुके हैं, तो वो भी आ चुका है। उसके बाद में सीआरटीपी भी आ चुका है, सीआरटीबी टीडी भी है, सीआरटी भी है, तो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस आ चुके हैं। उसके बाद में आ चुका है रिमोट मॉनिटरिंग। अभी तो दुनिया आपको पता है कि रिमोट मॉनिटरिंग पे चल रही है, यानी आपका हार्ट रेट कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये मुझे यहाँ पे मेरे केबिन में बैठ के पता चलेगा। आपका ईसीजी कैसा आ रहा है वो आपका स्मार्ट वॉच रिकॉर्ड करेगा और मुझे उसका डाटा मेरे कंप्यूटर पे दिखेगा। तो रिमोट मॉनिटरिंग से हार्ट हेल्थ और बाकी हेल्थ सेक्टर भी काफी कुछ बदल चुका है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आ चुका है, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आ चुका है, पोर्टेबल होल्डर मॉनिटरिंग आ चुका है, डिस्पोजेबल होल्डर मॉनिटरिंग आ चुका है। तो ये बहुत सारे जो मॉनिटरिंग के जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और बहुत उसमें मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद में जेनेटिक टेस्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके फैमिली में कोई बीमारी ना हो चुके, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग यानी आपके बच्चा जो पेट में है उसका तभी के तभी टेस्टिंग करवा लिया है कि उसको क्या जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, उसका क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन में कुछ एबनॉर्मिलिटी है क्या। ये बहुत सारा एडवांसमेंट अभी आ चुका है, तो काफी बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी या कुछ बीमारियां होने भी हम रोक सकते हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग आ चुका है। उसके बाद में बात आ रही है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन जैसा कि आप सभी को पता है, यानी आपको मैंने वीडियो कंसल्टेशन कर दिया, आपको मेडिसिन दवाइयां दे दी, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देख ली, आपको आपका ईसीजी मैंने देख लिया, आपका इको वहां पे कोई अगर ऑपरेटर है तो उसने रिकॉर्ड कर लिया और मुझे भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारी जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको अभी घर बैठे मिलेंगे, आपके स्क्रीन पे मिलेंगे और आपको जो फैसिलिटीज यूरोप अमेरिका में जो डॉक्टर्स है, इंग्लैंड में डॉक्टर्स है, बड़े डॉक्टर्स है, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनकी फैसिलिटी आपको अभी घर बैठे मिल सकती है, तो ये टेलीमेडिसिन का फायदा है। उसके बाद में बात आ रही है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, जैसा आपने मैंने पहले भी बताया है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब कुछ सीन को काफी तक चेंज करने वाला। तो ये कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इनोवेशंस करके हार्ट के इसमें आने वाली है। ये तो कुछ मिनिमली टिप ऑफ आइसबर्ग हम जिसे बोल सकते हैं, ये कुछ है। उसके बाद में भी बहुत सारी दवाइयां में, इन्वेस्टिगेशंस में, मेडिसिंस में, ट्रीटमेंट ऑपरेशंस में ये टेक्नोलॉजी बदलते जाने वाली है। और अभी पोर्टेबल ईसीजी मॉनिटरिंग है आने वाला है, साथ में पोर्टेबल इको आ चुका है, मोबाइल के साथ में इको प्रोब कनेक्ट करने की फैसिलिटी आ चुकी है, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज आजकल आने वाली है, मोबाइल कैथ लैब आ चुकी है, बहुत सारा दुनिया बदल चुकी है। और मुझे लगता है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हार्ट की टेक्नोलॉजी इतने जल्दी इम्प्रूव हो रही है, तो इससे काफी मैं मेरे पेशेंट्स को उसका लाभ दे सकता हूँ और छोटे सिटीज में भी, जैसे मैं अभी चंद्रपुर में प्रैक्टिस करता हूँ तो भी इंटरनेट होने के कारण ये सब फैसिलिटीज मुझे कहीं पे भी मिल सकती है अगर मुझे किसी का
ओपिनियन लेना है, अमेरिका में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है उसको उस साथ में मुझे कुछ डिस्कस करना है तो भी अभी मुझे पॉसिबल है। तो ये सब कुछ अभी हार्ट हेल्थ में होने वाला है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी हो। तो चलिए, ये हुई बात कुछ इनोवेशंस इन हार्ट केयर के बारे में। तो ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वरघनी से जुड़े रहिए, और जरूर हमारे सोशल इनिशिएटिव होते रहते, फ्री कैंप होते रहते ओपीडी में, तो वहाँ पे उसका लाभ उठाइए। अगला जो नेक्स्ट कैंप है वो है HbA1c कैंप, वो होने वाला है 9 अगस्त को 11 to 5 PM के बीच में, तो जरूर आप उसका लाभ उठाइए। फ्री कैंप है, फ्री में HbA1c चेक करेंगे, उसके बाद में कार्डियक ओपिनियन भी फ्री होगा, तो जरूर आप उसका फायदा उठाइए। कुबेर हॉस्पिटल भानापेट वार्ड चंद्रपुर में ये कैंप किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।